नमस्कार आज हम बात करेंगे महाराणा प्रताप के बारे में इनका जीवन स्वतंत्रता के संघर्ष का प्रतीक है ये एक कुशल राजनीति तज्ञ आदर्श संगठनकर्ता और महान सेनानी थे मुगल साम्राज्य के प्रति इनके मन में घृणा थी सम्राट अकबर की कहानियां आपने बचपन से सुनी होगी उसी अकबर ने अपनी समंदर जैसी विशालकाय सेना अपना बल और बाहुबल महाराणा प्रताप के खिलाफ लगाया लेकिन इन सभी को महाराणा प्रताप भारी पड़े महाराणा प्रताप के ताकत का अंदाजा अकबर को हल्दी घाटी के युद्ध में आ गया जहाँ पर उसका सरदार मानसिंह महाराणा प्रताप के भाले से मरते मरते बच गया उस युद्ध के बाद अकबर ने इतनी दहशत ली कि अपने प्रमुख सरदारों को हमेशा महाराणा प्रताप से दूर रखा महाराणा प्रताप की कहानी सुनने से पहले हमें अकबर का राजनीतिक रवैया जान लेना चाहिए सोलहवीं सदी में अकबर हिंदुस्तान के तख्त पर आया तो सिर्फ तेरह साल का था अकबर के दादा बाबर ने हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी इतनी छोटी सी उम्र में भी अकबर ने इन प्रदेशों पर अपना राज्य प्रस्तापित किया था इन सभी युद्धों में उसने राजपूत राजाओं का पराक्रम देखा था इन बलशाली और भरोसेमंद राजपूत राजाओं के साथ मित्रता का हाथ बढ़ाया तो अपना सैन्य बल भारी हो जाएगा और साम्राज्य विस्तार में भी मदद होगी ये वो बरखूबी जानता था जोधपुर के राजा मालदेव के साथ युद्ध हुआ उसमें अकबर की जीत हो गई लेकिन अकबर ने मालदेव के आगे मित्रता का हाथ बढ़ाया और उसकी बेटी जोधाबाई के साथ शादी की अपने पूरी जिंदगी में अकबर ने यही तरीका अपनाया जिन राजपूत राजाओं के साथ वो जीतता था उनके आगे मित्रता का हाथ बढ़ाता था, था और मित्रता वैसी रहे इसलिए उनके बेटी बहनों के साथ शादी कर कर रजपूत घरानों के साथ रिश्तेदारी जोड़ता था और अकबर की यही बात महाराणा प्रताप को पसंद नहीं थी महाराणा प्रताप का संकल्प था कि वो मुगलों की हुकूमत कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे और न ही अपने राज्य की कोई बेटी मुगलों को देकर उनके साथ रिश्तेदारी निभाएंगे उनका मानना था कि अकबर एक तुर्क है ये पहले हमारे साथ मित्रता का हाथ बढ़ाते हैं और फिर अपनी बुरी दृष्टि हमारे औरतों पर डालते हैं। जैसे उन्होंने संकल्प किया वैसे उन्होंने निभाया भी ही उन्हें राजगद्दी छोड़ के पहाड़ों का सहारा लेना पड़ा लेकिन मुगलों के आगे वो कभी झुके नहीं तो चलिए बढ़ते है इस महापुरुष के जीवन चरित्र के तरफ सिसोदिया वंश के राणा प्रताप के जन्म की गाथा पन्ना दासी के साथ जुड़ी है राणा रतन सिंह को दो पुत्र थे एक विक्रमादित्य और दूसरा उदय सिंह राणा रतन सिंह के मृत्यु के पश्चात विक्रमादित्य को मेवाड़ की राजगद्दी पर बिठाया लेकिन विक्रमादित्य आयु से कम थे इसलिए राणा रतन सिंह के भाई बनवीर उनकी देखरेख करते थे लेकिन कुछ दिनों बाद बनवीर के मन में मेवाड़ की राजगद्दी हथियाने का लालच पैदा हुआ और उस लालच में उन्होंने विक्रमादित्य की हत्या कर दी और उदय सिंह को मारने निकल पड़े उदय सिंह को मारने बनवीर आ रहा है यह पन्ना दासी को पता चला उसने उदय सिंह की जगह खुद के बेटे को सुलाया और उदय सिंह को फूलों की टोकरी में छुपा के रखा जब बनवीर उदय सिंह को मारने आया तो पन्नादासी ने अपने पुत्र को उदय सिंह बताया बनवीर ने नंगी तलवार से पन्ना दासी के पुत्र की हत्या कर दी पन्ना दासी ने जो बलिदान दिया वो शायद ही इतिहास में किसी और ने दिया हो बड़े होकर उदय सिंह ने जयवंताबाई से शादी की इन्हीं के पुत्र थे महाराणा प्रताप अकबर तेरह वर्ष की उम्र में दिल्ली का सम्राट बना था महाराणा प्रताप तब चौदह वर्ष के थे सम्राट बनने के बाद उसने राजपूतों के खिलाफ युद्ध करना शुरू किया अकबर ने उदय सिंह को प्रस्ताव भेजा कि वो मुगल सत्ता की अधीनता स्वीकार करे लेकिन उदय सिंह ने इस प्रस्ताव को नहीं स्वीकारा इससे क्रोधित होकर अकबर ने 20 अक्टूबर 1567 में बड़ी सेना लेकर चित्तौड़ पर आक्रमण किया छह महीने तक महाराणा उदय सिंह और उसकी सेना मुगलों के साथ लड़ रही थी लेकिन राशन पानी खत्म होने के कारण उदय सिंह ने हार मान ली राजा उदय सिंह ने चित्तौड़ किला छोड़कर अरवली पर्वतों में आश्रय लिया चित्तौड़ किला मुगलों के हवाले करने से पहले सारी स्त्रियों ने जौहर किया और तीस हजार सैनिकों ने अकबर के खिलाफ लड़ते हुए अपना बलिदान दिया इस घटना के कुछ दिन बाद राजा उदय सिंह ने अंतर्गत राजनैतिक झगड़े के कारण अपने छोटे रानी का बेटा जगमाल को मेवाड़ का उत्तराधिकारी घोषित किया ये जगमाल सदैव भोग विलास में डूबा रहता था जगमाल किसी भी कीमत पर मेवाड़ की गद्दी संभालने योग्य न था मेवाड़ के सरदारों को उदय सिंह का यह फैसला बिल्कुल भी पसंद नहीं आया उन्होंने अंतर्गत उठाव किया और अंततः राणा प्रताप को मेवाड़ की गद्दी पर बिठाया मेवाड़ की गद्दी पर आते ही उसने मुगलों की तरफ अपनी तलवार उठाई महाराणा प्रताप एक शक्तिशाली वीर था उसका बाहुबल बहुत भारी था भाला तलवार और तीर चलाने में उनकी बराबरी कोई नहीं कर पाता था गद्दी पर आते ही उन्होंने सारी प्रजा को हुक्म दिया कि सब शहर छोड़कर पर्वतों पहाड़ों में रहना शुरू करे ये हुक्म इसलिए दिया गया था की जब मुगल सेना उसके साम्राज्य पर आक्रमण करे तो उनको खाने पीने का कुछ सामान ना मिले और प्रजा भी उनके अत्याचारों से बच सके दिल्ली से गुजरात जाते वक्त मुगल सैनिकों को मेवाड़ के रास्ते से जाना पड़ता था इन मुगलों पर प्रताप और उसकी सेना अचानक हमला करती थी और उनको मारकर उनकी धन दौलत लूट लेती थी, थी। अकबर ने प्रताप को पकड़ने के लिए एक के बाद एक बहुत सारे सैनिक सरदार भेजे लेकिन प्रताप के आगे उनका कुछ नहीं चल सका जिन राजपूत राजाओं ने अकबर के साथ रिश्तेदारी निभाई थी उन सभी के बारे में महाराणा प्रताप के मन में घृणा थी एक दिन राजा मान सिंह गुजरात में युद्ध जीत कर दिल्ली जा रहे थे इस मान सिंह के पिता ने भी अकबर के साथ अपनी रिश्तेदारी निभाई थी जाते वक्त मानसिंह मेवाड़ में रुक गया प्रताप ने भी अतिथि देवो भव इस कहावत से उसका स्वागत किया भोजन का समय हुआ तो राणा प्रताप मानसिंह के साथ भोजन करने नहीं बैठे जब मानसिंह ने इसका कारण पूछा तो महाराणा प्रताप ने क्रोध में आकर कहा जो राजपूत मुगलों से डरकर अपनी बेटी बहन को उनके हवाले करते हैं उनके साथ महाराणा प्रताप कभी खाना नहीं खाता प्रताप का यह अपमानकारक जवाब सुनकर मानसिंह क्रोधित होकर दिल्ली चला गया और अपने अपमान की कहानी अकबर को सुनाई अकबर अपने रजपूत रिश्तेदारों की इज्जत करता था राणा प्रताप का ये बर्ताव देखकर अकबर क्रोधित हुआ और उसने अपने पुत्र सलीम और के साथ विशाल सेना देकर उनको प्रताप पर आक्रमण करने के लिए भेजा फिर शुरू हुआ हल्दी का युद्ध राणा प्रताप को पहले से ही लगा था कि अब युद्ध होने वाला है और वो उसी का इंतजार कर रहा था राणा प्रताप को जब खबर मिली कि मानसिंह और सलीम आक्रमण करने आ रहे हैं, तब वो अपने बाईस हजार सैनिकों के साथ हल्दी घाटी पर खड़ा हुआ मुगल भी हल्दी घाट पर पहुंचा प्रताप का अपने भुजाओं के बल पर विश्वास था और मुगलों को अपने विशाल सेना पर दोनों तरफ से तीर निकलने लगे तलवार और भाले की आवाज के साथ युद्ध प्रारंभ हुआ राजपूत सैनिक हर हर महादेव का नारा लगाकर मुगलों की सेना पर टूट पड़े मुगलों को उनकी ताकत का अंदाजा नहीं आया और राजपूतों के सामने वो लड़खड़ा गए राणा प्रताप अकेले अपने प्रिय घोड़े चेतक पर सवार होकर मुगल सेना में घुस गए उनकी नजरे को ढूंढ रही थी हाथी पर बैठा मानसिंह महाराणा प्रताप को दिखाई दिया उसे देखते ही प्रताप की आंखें क्रोध से लाल हो गई महाराणा प्रताप ने एक हाथ में भाला लेकर दूसरे हाथ से चेतक का लगाम खींचा चेतक को इतना इशारा काफी था वायु की गति से चेतक उस हाथी तक पहुंचा और अपने लोहे जैसे पैर हाथी के सर पर रख दिए चेतक का पिछला पैर घायल हुआ था इसलिए वो थोड़ा लड़खड़ा गया राणा प्रताप को ये बात ध्यान में नहीं आई और बिजली की चपलता के साथ अपना भाला मानसिंह पर फेंका लेकिन महावत बीच में आया और भाला उसे चीरता हुआ लोहे की चादर में जा महाराणा प्रताप के वार से मानसिंह का हाथी डर से युद्ध भूमि में इधर उधर दौड़ने लगा मानसिंह की ये अवस्था देखकर उसके सभी अंग रक्षक महाराणा प्रताप पर एक साथ टूट पड़े जिससे महाराणा प्रताप के प्राण संकट में आ गए झालावाडा के राजा महाराणा प्रताप के मामा ने जब देखा कि महाराणा प्रताप बुरी तरह से घायल हो गए है और लगातार शत्रु से लड़े जा रहे है तब वो महाराणा प्रताप के पास गए और उनके सिर का मुकुट उतार अपने सिर पर पहन लिया और महाराणा प्रताप को युद्ध भूमि से बाहर जाने को कहा पहले महाराणा प्रताप इस बात से राजी नहीं थे लेकिन चेतक गंभीर रूप से जख्मी हो गया था और मेवाड़ का भविष्य भी राणा प्रताप पर निर्भर था इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए और अपने सरदारों के कहने से राणा प्रताप चेतक को युद्ध भूमि से दूर ले गए चेतक गंभीर रूप से जख्मी हो गया था लेकिन उस हालत में भी वो राणा प्रताप को शत्रु से दूर सही सलामत लेकर आया और फिर अपने प्राण छोड़ दिए राणा प्रताप शोक सागर में डूब गया चेतक उसका प्रिय अश्व था जहाँ चेतक ने अपने प्राण छोड़े वहाँ प्रताप ने चबूतरा बनवाया जो आज चेतक चबूतरा के नाम से जाना जाता है हल्दी घाटी युद्ध समाप्त होने के बाद मुगलों को महाराणा प्रताप के सामर्थ्य का अंदाजा आया था हल्दी घाटी का युद्ध अनिर्णायक रहा था अकबर भी महाराणा प्रताप से चार कदम दूर रहना पसंद करता था हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप को पकड़ने अकबर ने अपने सैनिक भेजे लेकिन अपने बड़े सरदारों को उसने राणा प्रताप से दूर ही रखा लूटमार का सिलसिला कुछ सालों तक शुरू रहा अकबर महाराणा प्रताप को पकड़ने सैनिक भेजता था और महाराणा प्रताप उनको अपने भूखे तलवार भालों का शिकार बनाता था रोज की इस लूटमार से प्रताप और उसके सैनिक थक चुके थे मुगलों के एक पथक का सफाया किया तो उधर फिर से दो नए पथक आते थे अंत में प्रताप ने मेवाड़ छोड़ने का निर्णय लिया मेवाड़ से बाहर जाकर धन और सैनिक इकट्ठा कर कर फिर से मुगलों पर आक्रमण करने की उसकी योजना थी लेकिन उसी वक्त उसका एक पुराना सरदार भामाशाह उसे मिलने आया राणा प्रताप के पूर्वजों ने भामाशाह के परिवार पर संतुष्ट होकर बहुत सारा धन उसे दिया था वो सारा धन उसने महाराणा प्रताप को वापस किया पचीस हजार सैनिक अपना निर्वाह कर सकते थे धन मिलने के कारण प्रताप के शरीर में दोबारा वीरश्री जागृत हो गई उसने उस धन का उपयोग सैन्य जमा करने में किया मुगल सैनिकों को लगा कि प्रताप मेवाड़ छोड़कर जा रहा है तभी अचानक प्रताप ने देवीरा को चारों बाजू से घेर लिया मुगल सेनापति शाहबाज खान बेफिक्र था राणा और उसके बीच जोरदार युद्ध हुआ उसमें शाहबाज खान मारा गया देवीरा जीतने के बाद महाराणा प्रताप की विजय यात्रा शुरू हो गई। देवीरा की मुगल सेना प्रताप का पराक्रम देखकर भाग गई और आमिर में जो मुगल सेना थी उसे जाकर मिली लेकिन प्रताप ने उनका पीछा किया और आमिर की सेना को भी हराया अकबर को जब ये बात पता चली तो उसने राणा प्रताप के खिलाफ भारी संख्या में सैन्य भेजने की तैयारी शुरू की लेकिन इतने में उसे पता चला कि कमलनेर के किले को प्रताप ने अपने कब्जे में लिया है और किले का सेनापति अब्दुल्ला को मार डाला है ये बात सुनकर अकबर हड़बड़ा गया देखते देखते प्रताप ने 32 किले मुगलों से वापस ले मेवाड़ के पराक्रमी राजा महाराणा प्रताप को झुकाने की उम्मीद अब खत्म हो चुकी थी आखिरकार उसने महाराणा प्रताप के राज्य से अपने सारे सैनिक वापस बुला लिए अनेक वर्षों के बाद दुख झेल महाराणा प्रताप आखिर विजयी हुए थे कुछ सालों बाद 29 जनवरी पंद्रह में उदयपुर के सरोवर के पास इस महान पराक्रमी सम्राट ने अपने प्राण त्याग दिए महाराणा प्रताप भारतीय इतिहास के एक ऐसे महानायक है जिनकी अनन्य विशेषताओं पर भारतीय इतिहासकारों ने ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के इतिहास अभ्यासकों ने अपनी लेखनी चलाई है प्रताप स्वदेश पर अभिमान करने वाले स्वतंत्रता के पुजारी प्रतिज्ञा और एक वीर क्षत्रिय थे मेवाड़ नरेश होते हुए भी महाराणा प्रताप का अधिकतर जीवन वनों और पर्वतों में भटकते हुए व्यतीत हुआ अपने में इच्छा शक्ति अपूर्व शौर्य और रण कौशल से अंततः मेवाड़ को स्वाधीन करने में वो सफल हो गए तो ये थी महाराणा प्रताप की जीवन गाथा तो आज के लिए बस इतना ही अगले वीडियो में मिलते है एक नई वीरांगना के साथ तब तक के लिए अलविदा जय हिंद